मार्वल का वो सुपर हीरो जिसने हर किसी के दिल पर राज किया था। फिल्मों में इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर चैडविक बोजमैन के बाद अब इस रोल को कौन निभाएगा, यही सबके मन में सवाल था। लेकिन मार्वल ने सर चैडविक बोजमैन को सम्मान देने के लिए अनाउंस किया कि उनकी जगह कोई दूसरा एक्टर टीचाला का रोल नहीं निभाएगा, बल्कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में बोजमैन को बड़े सम्मान से विदा किया जाएगा। हालांकि स्टूडियो सीजीआई तकनीक से उन्हें वापस ला सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्लैक पैंथर वही फिल्म है जिसने मार्वल के लिए पहला ऑस्कर जीता था। ब्लैक पैंथर का सीक्वल पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था और अब उसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। तो चलो हम इस टीजर को एक्सप्लेन करते हैं और इसकी कुछ खास बातें जानते हैं और इसमें मूवी को लेकर थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, तो बी अलर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और वेलकम टू माय चैनल। तो टीजर की शुरुआत एक इमोशनल सीन से होती है जिसमें हमें चैडविक बोजमैन को इमोशनली ट्रिब्यूट देते हुए दिखाया जाता है। वकांडा फॉरएवर का टीजर शुरू होते ही किंग टीचाला की बहन शूरी मारमोडा और वकांडा की पूरी जनता अपने किंग के जाने का शोक मना रहे होते हैं, जिसमें हमें शूरी के हाथ में टीचाला का वो ब्लैक पैंथर वाला हेड भी दिखाई देता है। उसके आगे एक और सीन होता है जिसमें दो लड़के ड्रम बजाते हुए कुछ गा रहे हैं और उनके पीछे दीवार पर किंग टीचाला का फोटो बना हुआ है। इस सीन में मैं सच में इमोशनल हो गया था और सच कहूँ तो ऐसा ट्रिब्यूट शायद ही किसी और एक्टर को मिला हो जैसा मार्वल ने बोजमैन को दिया है। सच में हम सब के लिए बिल्कुल सैड और इमोशनल मोमेंट था। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये जो प्रेग्नेंट औरत है ये टीचाला के बच्चे को जन्म देगी और आगे चल के वो ब्लैक पैंथर का किरदार निभाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये वकांडा पर आने वाले नए खतरे को जन्म देती है जिसका नाम है नेमोर, जो आगे चल के अटलांटिस का राजा बनेगा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब इसका जन्म होता है तो इसके पैरों पे छोटे पंख नजर आते हैं और इसका जन्म पानी के अंदर होता है। ये सारे निशान नेमोर की तरफ इशारा करती है और जब इसके बारे में इतने डिटेल में दिखाया जा रहा है, मतलब कि इसका रोल आगे अगली फिल्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक सुपर हीरो की तरह है और कॉमिक्स में इसे सुपर हीरो ही दिखाया गया है और इसकी पावर्स एक्वामैन की तरह है। ये एक्वामैन की कॉपी बिल्कुल नहीं है, ये कॉमिक्स में कई साल पुराना कैरेक्टर है और बहुत पावरफुल है। अब इतने बड़े पावरफुल विलन के सामने ब्लैक पैंथर कौन होगा और इन दोनों की लड़ाई कैसी होगी, ये देखने लायक होगा। वैसे मार्वल कॉमिक्स में भी वकांडा और अटलांटिस के बीच युद्ध की प्लॉट लाइन चल चुकी है। अगर वकांडा फॉरएवर की बात करें तो कई सारे सीन में हमें ऐसा दिखता है कि यूएस गवर्नमेंट समंदर के अंदर कोई सीक्रेट मिशन चला रही है, तो फिल्म ऐसी हो सकता है कि किसी सीक्रेट चीज के लिए यूएस गवर्नमेंट और वकांडा समंदर में किसी सीक्रेट मिशन पर साथ काम करते होंगे और इसी बीच उनका पाला अटलांटिस से पड़ता होगा और जंग शुरू होती होगी। जैसे इस सीन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीक्रेट और एडवांस टाइप का लॉक है जो आई स्कैन या फिर फेस स्कैन से खुलता होगा और इसीलिए शायद ये सोल्जर एक अटलांटियन को उसके सामने खड़ा करता है ताकि वो डोर खुल सके। और अगर ध्यान से देखे तो इन अटलांटिस के पीछे पानी नजर आ रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि यूएस आर्मी ने इनके किसी अंडर वाटर लैब पे हमला बोला हो। मतलब ये भी है कि अटलांटिस के पास समंदर में भी ऐसी जगह होंगी जहां पानी नहीं आता है। उसके अगले सीन में ही हमें वकांडा के मेन जगह जहां टीचाला का सिंहासन भी है, चारों तरफ पानी और आग है जिसके बीच शूरी अकेली खड़ी है, तो यहाँ नेमोर और शूरी के बीच फाइट देखने को मिल सकती है और नेमोर वकांडा जैसे पावरफुल देश में इतने अंदर घुस सकता है, मतलब सोचो वो कितना पावरफुल और डेंजरस होगा। उसके अगले ही पल नेमोर के बचपन का एक सीन दिखाई देता है जिसमें कुछ नीले स्किन वाले अटलांटिस और नेमोर द सबमरीन एक जलते हुए महल के सामने होते हैं जो जमीन पर होता है और इसके आगे के सीन में भी वो जमीन पर आता नजर आता है जहाँ उसके राज्य के लोग भी दिखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूएस आर्मी ने समंदर में उसकी सारी सल्तनत तबाह कर दी हो और इसी वजह से वो अब बाहर जमीन पर रहता हो और उस जले हुए महल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया हो यूएस आर्मी ने। मैंने कॉमिक ज्यादा नहीं पढ़ी है तो मैं सिर्फ वकांडा फॉरएवर के इस टीजर के नजरिए से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किंग टीचाला ने पहली बार वकांडा को पूरी दुनिया से छिपा कर रखने की बजाय सबके लिए खोलने की बात की थी। टीजर में भी ये लगता है कि उनके जाने के बाद अब खुद राज सिंहासन संभाल रही उनकी माँ क्वीन रमुंडा ने इस मिशन को जारी रखा है और वो किसी क्राइसिस की सिचुएशन में यूएन में खड़े होकर ये कहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश की रानी हूँ और मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इससे ये अंदाजा लग सकता है कि जो आग और पानी के सीन में नेमोर और शूरी के फाइट होगी उसमें उसकी भी मे भी डेथ हो जाती है और अब क्वीन रमोडा बाकी देशों
शुरू को अटलांटिस से लड़ने में मदद मांग रही है। वैसे किंग टीचाला की बहन शुरू के साथ उसके लैब में एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, इसका नाम है रीडी विलियम्स उर्फ आयरन हार्ट। ब्लैक पैंथर 2 से इस सुपर हीरो की भी एंट्री मार्वल यूनिवर्स में हो रही है, जिसे डोमिनिक थॉर्न प्ले कर रही है। कॉमिक्स के हिसाब से रीडी MIT यूनिवर्सिटी टीनेजर लड़की थी जिसने टोनी स्टार्क के आयरन सूट को रीअरेंज करके उसे परेशान किया था। टीजर में आयरन हार्ट का इंट्रो बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया जिस तरह से टोनी को गुफा में सूट बनाते दिखाया गया था। जितना स्क्रीन टाइम उन्हें टीजर में मिला है उससे लगता है कि फिल्म में उनका रोल लंबा होने वाला है। फाइनली हमें टीजर के आखिरी शॉट में कुछ ऐसा दिखता है जिससे गूज बम्प आ जाते हैं। हमें 2 सेकंड के लिए एक नए ब्लैक पैंथर की झलक देखने को मिलती है। अगर उसके हाथ को ठीक से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये शुरी ही हो, क्योंकि वो हथियारों की स्टाइल बिल्कुल उसी की है। तो हो सकता है कि शुरी ही ब्लैक पैंथर की जगह संभाले, लेकिन मैंने तो कहा था कि आग और पानी वाले सीन में शायद शुरी मर जाएगी। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि उस सीन में जब उनकी फाइट होगी तो सबको लगेगा कि शुरी मर गई, लेकिन वो किसी तरह बच जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हम सबको लगा कि टीचाला मर गए लेकिन वो जिंदा होता है। तो हो सकता है कि शुरी भी बिल्कुल टीचाला की तरह आखिर में एंट्री मारे। लेकिन फिर भी कई सारे सवाल बाकी बचते हैं, क्योंकि टीजर के हिसाब से नेमोर इस कहानी का बैडली और डेंजरस विलन होने वाला है, और ऐसा है तो कॉमिक्स से उसकी कहानी बिल्कुल अलग एंगल में टर्न होगी। वही दूसरी तरफ हमने पहली फिल्म में देखा था कि ब्लैक पैंथर बनने के लिए एक खास हर्ब या फिर जड़ी बूटी की जरूरत होती है, जिसका पूरा स्टॉक, मेरा मतलब है बगीचा, हरामी किलमोंगर ने चला दिया था। तो शुरी ब्लैक पैंथर कैसे बनेगी, या फिर मार्वल एक बड़े सस्पेंस के साथ किसी और ब्लैक पैंथर को लाएगा जिसकी कोई अलग ही कहानी अपने को देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वकांडा की सेना अटलांटिस में उसी जड़ी बूटी की तलाश कर रही हो जो कि ब्लैक पैंथर बनने के लिए जरूरी होती है। देखो, सवाल तो और भी कई है जो कि हमें एक्साइटेड करते हैं, और सच कहूँ तो थॉर लव एंड थंडर की कॉमेडी देखकर मैं इस फिल्म के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, मगर इस टीजर ने एक्साइटमेंट को 100 गुना बढ़ा दिया है। तो हम सब अपने सवालों के साथ वेट करते हैं ट्रेलर के आने का। वैसे आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर अगर गलती से भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक आप ब्लैक पैंथर का फर्स्ट पार्ट देखो।